गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं टैली ईआरपी 9 की क्लास। आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, बेसिक टर्मिनोलॉजी प्लस अकाउंटिंग के बारे में बताया। आज जो मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ, चूँकि आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं और आप लोगों को मालूम है कि एंट्री कैसे की जाती है, जनरल एंट्री की हम एंट्री कैसे करते हैं, आप लोग अकाउंटिंग में बहुत सारी एंट्री मैन्युअली किया होगा। अब हम उस मैन्युअली एंट्री को कंप्यूटर में कैसे करते हैं, अब हम ये सीखेंगे। इसके लिए आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ टैली ईआरपी 9। टैली ईआरपी 9 को स्टार्ट कैसे करते हैं, और मैंने फर्स्ट डे बताया था आपको, टैली ईआरपी 9 को चालू करने के बाद हम सबसे पहले उसमें कंपनी को ओपन करते हैं, यानी कि कंपनी को क्रिएट करते हैं। क्योंकि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की हमको एंट्री करना होता है या रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल को पहले रखा जाता है और उस डिटेल को फिलअप करते हैं, इसके बाद उसमें फिर एंट्री का वर्क करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। मैंने एंट्री कुछ आपको बताई थी कि किस प्रकार से करते हैं, ये मैं आपको ओपन कर देता हूँ। एक एग्जांपल हमने लिया था, उस एग्जांपल को आप मैन्युअली तो सॉल्व कर सकते हैं, मुझे मालूम है बीकॉम के स्टूडेंट हैं। ये एग्जांपल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इस प्रकार के एंट्री को आप मैन्युअली कॉपी में तो मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन इसको हम टैली ईआरपी 9 में कैसे मेंटेन करेंगे ये आज हम सीखेंगे। इसके लिए देखिए हमको क्या करना है, ये आपको मालूम है सभी को कि इस एंट्री को आप आसानी से यहाँ पे तो मैन्युअली मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन आज टैली ईआरपी 9 में इसको कैसे मेंटेन करेंगे ये हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं टैली ईआरपी 9। टैली ईआरपी 9 को चालू करने के लिए आपके पास, मैंने बताया था, एक बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है, उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी बताया था, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने साइट भी बताई थी डाउनलोड करने के लिए। इसके बाद जहाँ पे आपकी टैली का आइकन बना हो डेस्कटॉप में, उस पर आपको डबल क्लिक करना है और इस प्रकार से टैली ईआरपी 9 आपकी चालू हो जाएगी। थोड़ा सा समय लगेगा। ये देखिए टैली ईआरपी 9 की फर्स्ट स्टार्टअप विंडो ये आपके सामने डिस्प्ले होगी, और मैं यहीं से आपको स्टार्ट करता हूँ कि इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है। सबसे पहले स्टार्टअप विंडो की बात करें तो इसमें लाइसेंसिंग ऑपरेशन के लिए यहाँ पे दिया होता है। यदि आपके पास लाइसेंस होगा टैली का, यदि आपने परचेस किया है, पैसे में ख़रीदा है, मैंने बताया था ये सॉफ्टवेयर पूरी तरह से फ्री नहीं है, इसको लोग बाग लाइसेंस में यूज करते हैं, 18 से 20 हज़ार रुपये का इसका लाइसेंस मिलता है, प्लस साल भर में रिन्यूअल भी हमको कराना पड़ता है। टर्म कंडीशन आपके अकॉर्डिंग होती हैं, जैसा आप चाहते हैं उस प्रकार से आप उसको परचेस कर सकते हैं, 1 साल के लिए 2 साल के लिए 3 साल के लिए, और इसके बाद उसको रिन्यू कराना होता है। यदि आपके पास लाइसेंस है तो सारे वर्क करते हैं टैली ईआरपी 9 के फंक्शन, यदि लाइसेंस नहीं है तो एजुकेशन मोड में हम यूज करके उसको सीख सकते हैं, लेकिन एजुकेशन मोड में बहुत से रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो समय समय पर मैं रिस्ट्रिक्शंस आपको बताता जाऊँगा और समझाता चलूँगा। ओके, तो ये तो हमारा लाइसेंस का हुआ। फिर लॉगिन ऑफ द रिमोट, यदि हम टैली ईआरपी 9 को एज ए रिमोट भी यूज कर सकते हैं। एज ए रिमोट का मतलब है कि एक किसी कंप्यूटर में टैली ईआरपी 9 स्टोर है और उसको हम मोबाइल से या कहीं दूसरी जगह से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये भी फैसिलिटी हमको तभी मिलेगी जब हमारे पास लाइसेंस होगा। हमें जो फिलहाल यूज करना है वर्क इन एजुकेशनल मोड, आपको ये यूज करना है वर्क इन एजुकेशनल मोड। ओके, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, लिखा हुआ है द एजुकेशनल मोड अलाउ यू टू लर्न एंड यूज टैली ईआरपी 9। ये किस लिए है, आप सीख सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं, किसके लिए, पढ़ने के लिए, विदाउट बाइंग ए लाइसेंस, बिना लाइसेंस को खरीदे। यू कैन वर्क ऑन डेटा ऑन योर कंप्यूटर विथ सम रिस्ट्रिक्शंस, लेकिन इसमें जो डेटा होगा उसके साथ कुछ में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे। फॉर एग्जाम्पल यू विल नॉट एबल टू एंट्री ट्रांजेक्शन
फॉर ऑल डे इन ए मंथ, पूरे डे की मंथ की एंट्री हम इसमें नहीं कर सकते हैं। वो कुछ डेट फिक्स हैं, उन डेट पे ही हम एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि पूरे डे की यदि एंट्री होने लगेगी तो लोग बाग उसके लाइसेंस को परचेस ही नहीं करेंगे, एजुकेशनल मोड का यूज करके ही उसको यूज कर लेंगे, इसलिए उसने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं। ओके, ये तो बात हुई स्टार्टअप की। इसके यदि टॉप की बात करें तो यहाँ से आपको ये फर्स्ट टाइटल बार दिखता है, टैली आरपी 9 हम चला रहे हैं, इधर क्लोज मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन होगा, गेटवे सर्वर आपको दिखता है, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन, प्रिंट, एक्सपोर्ट, ईमेल, अपलोड, टैली शॉप, लैंग्वेज, कंट्रोल सेंटर सपोर्ट, ये आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, इनका भी हम यूज करेंगे। नीचे बात करें बॉटम में, तो बॉटम की बात करें टैली आरपी 9 आप कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, अपना सिंबल डिस्प्ले करता है, यानी कि लोगो डिस्प्ले करता है। इसके साथ साथ सीरीज कौन सी आप चला रहे हैं, ए सीरीज 6.55 है, लेटेस्ट है, और 6 भी है, मैं इसने अभी इंस्टॉल नहीं किया था, उसको भी कर दूंगा। एजुकेशनल मोड हम कौन सा चला रहे हैं, लाइसेंस की बात करें तो एजुकेशनल मोड है। गेटवे की बात करें तो ODBCA सर्वर यूज किया जा रहा है। कैलकुलेटर की बात करें तो यहाँ पे हम छोटा सा कैलकुलेटर भी दिया होता है, और इनमें जंप करने की बात करें तो यहाँ शॉर्टकट की दिया हुआ है, जैसे कैलकुलेट करना है तो कंट्रोल N का यूज कर सकते हैं। ये शॉर्टली इंट्रोडक्शन मैंने फर्स्ट स्क्रीन ऑफ टैली का बताया। अब ये हमारी पहली स्क्रीन हुई, अब इसमें हमको यदि शुरुआत करना है तो हमें फिलहाल हमारे पास लाइसेंस यदि अवेलेबल नहीं है तो एजुकेशन वर्क इन एजुकेशनल मोड पे क्लिक करना है आपको, और ये आपके सामने गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखिए यहाँ लिखा है गेटवे ऑफ टैली, ये विंडो गेटवे ऑफ टैली कहलाता है। गेटवे ऑफ टैली में देखिए करेंट पीरियड कौन सा चल रहा है आपका, फाइनेंशियल ईयर किस ईयर का है, करंट आज की डेट क्या है ये दिखाएगा, कौन सी कंपनी है, और डेट ऑफ द लास्ट एंट्री उसमें कब लास्ट एंट्री की गई थी, ये इंफॉर्मेशन आपको साइड विंडो में मिलेगा। चूंकि अभी कोई कंपनी नहीं है, ना कोई कंपनी बनी है, ना कोई कंपनी ओपन है, इसलिए अभी सभी नहीं। अब हम टैली में शुरुआत ही करेंगे कंपनी को ओपन करने से लेकर, तो सबसे पहले हमें कंपनी को ओपन करना होगा। कंपनी को ओपन करने के लिए हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको कंपनी इन्फो में जाना है, यहाँ पे आप दिख रहा है कंपनी इन्फो के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट ए कंपनी, क्रिएट कंपनी पे आपको क्लिक कर देना है। ओके, जैसे क्रिएट कंपनी पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये विंडो डिस्प्ले हो जाएगी। इस स्क्रीन में आपको कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को फिल करना है, कैसे, डायरेक्टरी आपकी कौन सी है, मतलब कंपनी जो आपने बनाई है उसका डेटा कहाँ से हो रहा है, ये आपको इंफॉर्मेशन यहाँ मिलेगी। सी ड्राइव, यूजर, पब्लिक, टैली आरपी 9 के अंदर डेटा के अंदर ये डेटा जा रहा है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद आपको कंपनी का नाम देना है, कंपनी नाम मान लीजिए हम बना देते हैं SICS इन्फोटेक, सॉफ्टवेयर की कंपनी हमने बनाया। मेलिंग एड्रेस का क्या होगा, मेलिंग नेम क्या होगा, SICS ही रखना है या और कुछ, आप चेंज भी कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट वो भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ कर दिया सदगुरु ट्रस्ट जानकीपुर। ओके, मेलिंग एड्रेस में ये दे दिया। एड्रेस की बात करें तो मैं यहाँ लिख देता हूँ चित्रकूट सतना MP। आप अपने अकॉर्डिंग इसको दे सकते हैं कहाँ की कंपनी ओपन कर रहे हैं और किस स्टेट की है, पूरी डिटेल आप भर सकते हैं इसमें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और भी एड्रेस आप लिख सकते हैं, पिन कोड वगैरह भी इसमें दे सकते हैं यदि आपके पास मालूम है। पिन है हमारा 485334। कंट्री की बात करें तो कंट्री आपको बताना होगा, आपको सबको मालूम है यहाँ पे इंडिया आपको सेलेक्ट करना है। स्टेट मांगेगा, स्टेट की बात करें तो हमारा मध्य प्रदेश है। पिन कोड आपको यहाँ अलग से भी देना पड़ेगा 485334। ये सारी डिटेल सही फिलअप करना बहुत ज़रूरी होता है टैली में, क्योंकि इन्हीं के आधार पर टैक्स, टैक्स रेट,
जीएसटी सब कुछ इसी पे डिसाइड होता है कि कहाँ की कंपनी है, वहाँ पे कितना जीएसटी है, क्या है। तो इसलिए डिटेल हमको सही फिलअप करना चाहिए। यहाँ पे फ़ोन नंबर यदि आपके पास है तो आप दे सकते हैं, यदि नहीं अवेलेबल है तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। मैंने फ़ोन नंबर भी एंटर कर दिया। यदि आपके पास फैक्स नंबर भी अवेलेबल है तो आप फैक्स नंबर भी दे सकते हैं। इस प्रकार से कोई भी नंबर आप एंटर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई करेक्ट नंबर एंटर नहीं कर रहा हूँ। ईमेल आईडी भी आप दे सकते हैं, sics@gmail.com। ओके। वेबसाइट यदि आपके पास है तो वेबसाइट भी दे सकते हैं, sics@ckt.com। नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, फाइनेंशियल ईयर बीइंग फ्रॉम, आपका फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है। आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं, आपको तो मालूम होगा, लेकिन मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, हमेशा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक होता है। जो भी ईयर दें, लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो 1 अप्रैल ही होगा। अब हम 1 अप्रैल 2019 की बात कर रहे हैं, यानी कि हमको एंट्री करना है कि 18 की करना है कि 20 की करना है। आप ईयर चेंज कर सकते हैं। तो चूँकि हम करेंट का फाइनेंशियल ईयर ले रहे हैं अप्रैल, हमारी कंपनी अप्रैल से मान रहे हैं, अप्रैल से ओपन हुई 2020। दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है बुक्स बीइंग फ्रॉम्स, यानी कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ वो 1 अप्रैल 2020 से तो हो गया, लेकिन आप उसमें बुक कीपिंग का काम कब से कर रहे हैं। बुक कीपिंग आप समझ गए होंगे कि आप उसमें एंट्री करना कब से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, यानी कि अप्रैल से ही, मई से कि जून से कि जुलाई से। जैसे हमारे यदि करंट समय की बात करें हम, तो अप्रैल तो हमारा निकल गया, हमने अप्रैल में एंट्री नहीं किया, मई में नहीं किया, जून भी निकल गया, जुलाई, इस समय अगस्त चल रहा है, तो हम एंट्री कहाँ से कर सकते हैं, अगस्त से कर सकते हैं। मान लीजिए आज हमारी कंपनी ओपन हुई अगस्त में, तो फाइनेंशियल ईयर तो हम देंगे क्या 1/4/2020, लेकिन बुक कीपिंग बिगिन फ्रॉम में क्या दे देंगे, हम कब से दे देंगे, आज की डेट से, जो भी आप आज की डेट, आज की डेट मतलब 18/8/2020। ओके, ये दोनों डिफरेंस डेट हो सकती हैं, लेकिन चूंकि हम एजुकेशनल मोड यूज कर रहे हैं इसलिए हम बेसिकली बुक कीपिंग भी वहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमको भी कई प्रकार की ऐसी एंट्री करनी पड़ेंगी जो मई और जून के लिए ज़रूरी है। ओके, तो हमने वही दे दिया। मोस्टली ऐसा होता भी है, जब फाइनेंशियली स्टार्ट होता है तभी से बुक कीपिंग भी स्टार्ट हो जाती है। और ये रिस्ट्रिक्शंस भी हैं इसमें एजुकेशनल में, आप डे बाय डे की एंट्री नहीं कर पाएंगे। बात करें अब अगला ऑप्शन आपको टैली वैलेट पासवर्ड, टैली वैलेट पासवर्ड का मतलब है आप इसमें पासवर्ड भी निर्धारित कर सकते हैं, जब आप उसको यूज करेंगे तो आपसे पासवर्ड मांगेगा। यदि देना चाहते हैं तो यहाँ मैं दे देता हूँ, ऐसा इसी है, स्ट्रांग जब तक नहीं होगा तब तक आपका ये रेड दिखाता रहेगा, इसलिए SICS मैंने दे दिया, सतगुरु SICS। ओके, अब आपका स्ट्रांग हो गया, एंटर किया, रिपीट करेंगे सदगुरु SICS। यूज ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल, ये ऑप्शन मैं आपको अलग से बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज फिलहाल आपको पहले कंपनी को क्रिएट करने के लिए इतनी डिटेल आपको मालूम होनी चाहिए और इसको फिलअप करना है, अभी इसको नो रखना है। ओके, यहाँ पे आए, बेस ऑफ करेंसी सिंबल, हमारा ऑटोमेटिक इंडियन है, इंडियन ले लेगा, आप ध्यान दीजिए। और उसका फॉर्मल नेम क्या होगा, INR, या पहले RS लिखते थे लेकिन इस समय INR, तो यही दे दिया हमने। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, अमाउंट के यदि सफिक्स और प्रीफिक्स बाद में कोई सिंबल आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं,
और यदि नहीं लगाना चाहते तो नहीं भी लगा सकते, इसको आप एस या नो कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे एस कर दिया हूँ। एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, सिंबल और अमाउंट के बीच में स्पेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एस हमने कर दिया है। सो अमाउंट इन द मिलियंस, मिलियंस में अमाउंट को शो करना है कि नहीं करना, अभी इतनी बड़ी हमारी कंपनी नहीं है, चूँकि स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए हम मिलियंस नहीं ले रहे हैं, और जब कंपनी हमारी बढ़ जाएगी हम इसमें चेंजेस कर लेंगे। ओके, चलिए आज तो हमारी कंपनी चालू हो रही है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, इसका मतलब भी मैं आपको बता दूं, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस का मतलब है कि जो अमाउंट होंगे, अमाउंट के बाद जो पैसे लिखे जाते हैं पॉइंट के, तो वो कितने नंबर रखना है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट चाहिए, दशमलव के बाद आपको कितने अंक चाहिए, ये इसका मतलब होता है। हमने टू टाइप किया, दशमलव के बाद कितने करेगा, टू करेगा, सिक्स चाहिए, टेन चाहिए, जितना भी चाहिए उतना नंबर आप डेसिमल प्लेसेस आप यहाँ दे सकते हैं। ओके, वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद उसमें को क्या माना जाएगा, पैसे, आप जानते हैं उसके पहले तो रुपए हो गए, और दशमलव के बाद जो दिया होगा वो क्या होगा, पैसे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पैसे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड, वर्ड में जो दिखाएगा वो कितने नंबर आप अमाउंट दिखाना है, टू बाई डिफॉल्ट देता है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, मान लीजिए मैंने दे दिया फोर। ये सारी एंट्री मैंने फिलअप कर लिया है, आप देख लिए होंगे, आप भी ध्यान दिए होंगे कि इसमें सारी एंट्री फिल हो गई हैं, और फिल होने के बाद आपको क्या करना है कि इस कंपनी को क्रिएट करना है। तो आप ध्यान दें पहले कि ये सारी डिटेल आपको फिलअप करना है, और फिलअप करने के बाद आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है। यदि कहीं पे कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, लेकिन यदि आप पर डे चलाएँगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से टैली आने लगेगी, और टैली के आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, जो आपका बेस सब्जेक्ट है। देखिए अकाउंटिंग आप बीकॉम इसी उद्देश्य से, कई लोग तो जो कंप्यूटर फील्ड के होते हैं या अदर किसी दूसरे फील्ड के होते हैं वो लोग टैली सीखते हैं और आज 20 से 25 हज़ार रुपये कमाते हैं। आप तो उसी फील्ड के हैं, आप तो बीकॉम के हैं, आपके लिए तो बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से इसको चलाएंगे और सीखेंगे तो। और बाहर इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड भी है, ये भी मैं आपको बता दूँ, मालूम ही है आपको, क्यों, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में पैसे का ट्रांजैक्शन होता है, जहाँ पैसे का ट्रांजैक्शन है वहाँ उसको मेंटेन करने के लिए सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। ओके, तो अब बात करते हैं, ये एंट्री मैं इसलिए रोक दिया कि आप पूरी तरह एक बार फिर पढ़ लें, देख लें, जिससे आपके सामने स्क्रीन डिस्प्ले रहे, क्योंकि जैसा ही मैं अब नेक्स्ट करूँगा ये स्क्रीन हमारे सामने से हट जाएगी। ओके, अब मैं एंटर करता हूँ, इसके बाद आपको एंटर करना है। नंबर ऑफ डेसी प्लेसेस आप यहाँ टू ही कर लीजिएगा और इंटर करिएगा। ओके, क्योंकि हमने ऊपर दिया है नंबर ऑफ प्लेसेस, उतने ही नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस अमाउंट भी आप रखिएगा। ओके, ये हमने पासवर्ड डाला था, आपको मालूम है सद्गुरु SICS, पासवर्ड सबसे पहले मांगेगा, बिना पासवर्ड के अब हमारी कंपनी ओपन नहीं होगी। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये हमारा करेंट पीरियड चालू हो गया 1/4/2020 से 31/3/2021 तक, 31 मार्च तक जाएगा 2020 से, ये हमारा सेशन हो गया फाइनेंशियल ईयर एक साल का। ये आज की करेंट डेट वेडनेसडे बता रहा है 1 अप्रैल, चूँकि हमने 1 अप्रैल की एंट्री मानी है, 1 अप्रैल से स्टार्ट किया है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। कंपनी का नेम है SICS इन्फोटेक है, और डेट ऑफ द लास्ट एंट्री अभी नो, कोई एंट्री नहीं है। अब मान लीजिए चलिए ये आपने बना लिया, अब किसी प्रकार के यदि आपको कंपनी में मॉडिफिकेशन करना है, अल्टरेशन करना है, तो कैसे करेंगे, मैं इसके साथ इसके लिए भी बताता चलता हूँ। यहाँ पे आपको यहाँ पे अल्ट प्लस F3 प्रेस करना है, कीबोर्ड से अल्ट प्लस F3। देखिए आप कॉपी पेन लेके बैठा करिएगा, जब वीडियो देखें ये पॉइंट मैंने बोला ये आपको नोट करना पड़ेगा, आप वहाँ पे नोट करिए, लिखिए अल्ट प्लस F3 और उसके आगे मींस कंपनी इन्फो, यानी कि अल्ट प्लस F3 से क्या खुल जाएगा, कंपनी इन्फो, और जब कंपनी इन्फो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा उससे रिलेटेड हम कंपनी में कोई भी
चेंजेस कर सकते हैं किसी दूसरी कंपनी को ओपन, वही ऑप्शन हमको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब मान लीजिए हमको कोई चेंजेस करना है तो हम अल्टर पे जाएंगे, और कौन सी कंपनी, SICS, ये देखिए हमारे पास वही विंडो फिर से डिस्प्ले हो गई। अब हम इसमें फिर से कोई भी चेंजेस कर सकते हैं आसानी से, और चेंजेस करके आपको इंटर करते जाना है ऐसे। मैंने यहाँ बताया था आपको, ध्यान रखिए नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 किया था, तो मैंने यहाँ भी 2 कर दिया था, ये गलती मत करिएगा, 2 ही करिएगा, और फिर से मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। ओके, इसको यहाँ पे कीबोर्ड में एक बटन होती है ESC स्कैप बटन, इसको बोलते हैं, इसको स्कैप करना है आपको, बैक जाने के लिए स्कैप करना है, टैली में आगे बढ़ने के लिए एंटर करना है, स्कैप और एंटर का यूज करना। ओके, अब मान के चलते हैं कि मैं इस टैली को बंद कर देता हूँ, कल आप आते हैं तो कैसे ओपन करेंगे, इसको मैंने क्लोज कर दिया। ओके, पूरी टैली मैंने क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट डे आए, आपको अपनी टैली ओपन करना है, आप यहाँ पर जाएंगे, चूँकि फर्स्ट कंपनी है हमारी और पहली कंपनी ये ऑटोमेटिक ओपन करता है, इसलिए ये आपकी डिस्प्ले हुई। पहली कंपनी है और हमसे सबसे पहले पासवर्ड ही मांगेगा, चूँकि हमने पासवर्ड दिया हुआ था। आप विदाउट पासवर्ड के भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है, यदि हमने पासवर्ड नहीं दिया होता तो यहाँ पर पासवर्ड नहीं मांगता। सदगुरु, SICS हमने दिया, ये हमारी कंपनी ओपन। तो फिलहाल मैं आज का वीडियो यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, आपको इतना ही चलाना है, हो सके जैसे भी आपके पास सिस्टम अवेलेबल हो वो आप देख लीजिए, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता, और आप ज़रूर प्रैक्टिस करें तो मुझे अच्छा लगेगा, रिस्पांस देंगे तो और अच्छा लगेगा, और कोशिश करें कि यदि चलाने को मिले किसी प्रकार से तो बहुत अच्छा है। दूसरी बात, यदि नहीं भी मिलता है तो जो मैं बता रहा हूँ इनको आप कॉपी पेन लेकर बैठना है और आपको नोट करते जाना है, कैसे चलाना है स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना है आपको, यहाँ पे गए ये किया, जैसा मैं पढ़ाया करता था, आपको एक्सेस पढ़ा चुका हूँ, आपको आइडिया है, उस प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना है और उस कॉपी को रख लेना है। फिलहाल मान लीजिए जब भी हमारा कॉलेज ओपन होता है आपको लैब मिलती है, आप सीधा आएंगे, कॉपी ओपन करेंगे, आप लैब करना चालू कर देंगे, उस समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बार बार आपको वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, इसलिए कॉपी और पेन ज़रूर मंगा लें और कॉपी पेन में नोट जरूर करते जाएं, साथ में आपका नोट्स भी बनता जाएगा, कभी भी प्रैक्टिकल करेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, आज के वीडियो में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ, आप विशेष रूप से ध्यान दें, वीडियो को देखें और उसको समझें, यदि कोई भी प्रॉब्लम है मुझे कमेंट करें। ओके, थैंक यू।